तो नमस्कार आप सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच की। रांची का यह मैदान है और मेरे साथ आ चुके हैं अमर, और हम डिस्कशन करेंगे आज क्या होने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11 इंडिया की। अमर, इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और जो कि वो हमेशा करते हैं, बट राइट नाउ इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है रांची के मैदान पे। अब यहाँ रांची के मैदान पे क्या पेसर्स पर ज्यादा दारोमदार रहेगा या स्पिनर्स बाजी मारेंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11। अमर, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कैसी है? इंग्लैंड प्लेइंग 11, दे हैव ब्रॉट इन टू चेंजेस, Ollie Robinson and Shoaib Basir. They both have been introduced into the attack in place of Mark Wood and Rehan Ahmed. They both have been made to sit out because I think this is the first test match for Ollie Robinson since the Ashes test. Exactly. Since the Ashes test. काफी समय के बाद Robinson आ रहे हैं. And this will be his first test match in India. So it will be little bit like tricky for him to adjust to the conditions in India as well. And Shoaib Basir, he has been added to the squad because considering his performance in the second test match, he did perform really well. And Rehan Ahmed, he was Rehan Ahmed ki agar hum baat kare to last jo third test match tha usme unhone kafi runs liye the, otherwise unhone teen matches mein total 11 wickets chakkaye hain, that is his stats. But abhi Rehan Ahmed ko thoda break diya ja raha hai, Basir ke upar thoda zyada darmadar rahega is agle muqable mein. Ab considering the lineup dosto yahan par अमर, यूट्यूब जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन, इन दोनों का क्या तालमेल रहता है ये देखना होगा, बिकॉज अभी हम पिच की बात करेंगे दोस्तों। पिच पे किस टीम का ज्यादा, मतलब खास तौर से किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर ज्यादा कारगर साबित होगी उस पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं पहले टीम्स के बारे में। अब यहां पर ऑली रॉबिन्सन एंड जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन इज द मोस्ट एक्सपीरियंस गाय, वेटरन, सो दे बोथ विल बी बॉलिंग इन टैंडम फॉर इंग्लैंड, कंसीडरिंग दैट दे हैव लॉस्ट टू गेम्स एंड दे डोंट स्टैंड एनी चांस टू रिमेन अलाइव। करो या मरो वाली स्थिति है, दिस इज अ डू और डाई बैटल फॉर देम एंड इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर देम, बिकॉज़ इंग्लैंड इन द लास्ट मैच दे सफर्ड अ हैवी डिफीट, हैवीएस्ट डिफीट फॉर देम, 434 रन डिफीट, सो इट वाज द हैवीएस्ट। एंड so this match will matter a lot to them and they will have to do anything to win it by hook or crook. अगर बात करी जाए इनके बल्लेबाजी की तो हमेशा से, अगर इस पूरे टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीन नाम मेरे सामने, मेरे जहन में आएंगे और वो तीनों ही नाम टॉप ऑर्डर के हैं। पहले हैं यहाँ पर आपके जैक क्रॉली, बेन डकेट एंड ऑली पो। ये तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि लगातार रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं। बेन डकेट ने इन 6 इनिंग्स ही हैज स्कोर्ड समवेयर अराउंड 288 रन, ऑली पोप ने 6 इनिंग्स में 285 और जैक रॉली ने 226 रन बनाए हैं। यही तीन ऐसे बल्लेबाज हैं अमर जिन्होंने थ्रू आउट दिस सीरीज अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करी है। अब यहां पर बात आती है कि क्या बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, शायद आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, भैया गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करना दैट इज डिफरेंट, बट आपका जो मेन काम है बल्लेबाजी वो अभी तक देखने को मिली है नहीं, और मैं बात कर रहा हूं जो रूट। जो रूट थ्रू आउट द सीरीज, जो रूट बीइंग द वेटरन, ही हैजंट परफॉर्मड अप टू दैट स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, और ये सबसे बड़ा सिरदर्द है इंग्लैंड का। एब्सोल्युटली, और इसी के चलते यही एक दिक्कत है कि जो रूट गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं क्योंकि इंडियन कंडीशंस में उनकी स्पिन काम करती है, बट बल्लेबाजी में अभी भी उनको थोड़ा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। वो जो टच है वो शायद कहीं खोसा गया है। वन नॉट टच इज नॉट लॉस्ट, द थिंग इज दैट ही इज ट्राइंग टू प्ले विद दैट बैच बॉल अप्रोच व्हिच डजंट बिलोंग टू हिम, ही डजंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, ही इज द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन लाइक प्ले लॉन्ग इनिंग्स विद डिफेंसिव शॉट्स, ही डजंट बिलोंग टू दिस अग्रेसिव वे ऑफ क्रिकेट, and that's what he's doing as of now, that's why he's losing his wicket for low scores, this has been a big headache for England as well. और यहीं पे अगर आप बात करते हैं गेंदबाजी की तो यहां पर आपको बशीर का ऑप्शन मिलता ही है, जेम्स एंडरसन, ऑली रॉबिन्सन, साथ ही साथ टॉम हार्टली, वी कैन नॉट फॉरगेट दिस चैप, भाई लगातार इन्होंने इंग्लैंड के लिए विकेट निकाले हैं, तीन मैचेस में 16 विकेट चटकाए हैं। तो जिन खिलाड़ियों के हमने इंग्लैंड की तरफ से आपके साथ नाम साझा किए हैं वो खिलाड़ी आप अपनी फैंटेसी टीम में भी शामिल कर सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम इंडियन क्रिकेट टीम की ओर। भाई अमर, व्हाट्स योर टेक ऑन दी प्रोबेबल प्लेइंग 11? जसप्रीत बुमराह हैज बीन रूल्ड आउट, He has been rested for the fourth test. KL Rahul has been ruled out.
So situation is little bit tricky for Team India. Nonetheless, they have a good batting lineup, so they will perform in that sense. But I think like Devdutt Padikkal, that guy can be into the lineup. देखो दो तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं Devdutt Padikkal, जैसे आपने बोला उनको भी चूज किया गया है, जैसे कि सरफराज खान को मौका दिया गया था, Devdutt Padikkal भी हो सकता है फोर्थ टेस्ट में टीम इंडिया में शामिल हो। और दूसरी चीज एक ये भी आती है कि अक्षर पटेल का रोल क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ही कैन प्ले एन ऑलराउंडर रोल फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन अब आपके पास ऑलरेडी तीन बॉलर्स हैं, कुलदीप यादव, यू हैव गॉट जडेजा एंड अश्विन, तो इन तीनों के रहते हैं मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इट डजंट लाइक आई डोंट थिंक दैट अक्षर पटेल विल बी इंक्लूडेड इनटू द स्क्वाड इन द प्लेइंग 11, बिकॉज़ कंसीडरिंग द लाइक अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन दे बोथ ऑफर, आई डोंट थिंक दैट अक्षर पटेल विल मेक इट टू। तो एक बार अमर लाइनअप पे अगर हम बात करें तो एक बार लाइनअप देख लेते हैं, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, और जैसा कि आपने बोला Devdutt Padikkal, तो उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, सरफराज, ध्रुव जुरेल, ये दो रहेंगे डेफिनेटली, एंड रविंद्र जडेजा, अश्विन एंड फॉलोड बाय कुलदीप, मुकेश कुमार को आप इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज जसप्रीत बुमराह हैज बीन टेकन आउट, तो सिराज और मुकेश कुमार की ये जो जोड़ी है ये हमें इस बार फोर्थ टेस्ट में देखने को मिल सकती है। हालांकि मुकेश ने पहला जो मैच इन्होंने शायद खेला था उसमें रन्स लीक किए थे, नो दैट इज फाइन, बट द थिंग इज दैट ही इज द ओनली बॉलर दैट इंडिया कैन रिलाई ऑन इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट। As of now, we don't think that we have any other particular bowler which who we can use in the. But अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं तो मेरे हिसाब से तो भाई तीन बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रविंद्र जडेजा, जिन्होंने तीन इनिंग्स में 12 विकेट लिए हैं और साथ ही साथ 201 रन बनाए हैं। He has been good. जब बात आती है बल्लेबाजी की तो अभी वो एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। अश्विन की अगर हम बात करें तो तीन मैचेस में इन्होंने 11 विकेट लिए हैं, और कुलदीप यादव दो मैचेस में इन्होंने 8 विकेट अपने खाते में जोड़े। तो ये तीन बॉलर्स मेरी तरफ से जरूर अब मैं कोशिश करूंगा कि ये तीन एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करें। और दूसरी चीज ये कि अमर, सॉरी टू इंटरप्ट, मोहम्मद सिराज अगर आप बात करें तो मोहम्मद सिराज का भी वो जो एक कैरिज्मा है ना कि अगर विकेट लेते हैं तो लेते जाते हैं और नहीं लेते हैं तो फिर वो काफी रन्स लीक कराते हैं, इस पे उनको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं स्पिनर्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। लाइक यू सेड राइटली सेड अबाउट स्पिनर्स, दे आर द बैकबोन ऑफ टीम इंडिया एज ऑफ नाउ, बिकॉज इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट स्पिनर्स हैव brought a lot of success, a lot more success than pacers, especially on Indian pitches, on Indian pitches especially, so that's why they are given a lot of preference against these pacers. So Ravichandran Aswin and Ravindra Jadeja, they both will be important for the team, and keeping aside the Mukesh Kumar and they guys will be there, and if they will provide major breakthroughs that will be a win-win situation for Team India. And what about the batting lineup, ek baar fir hum batting lineup bharosa kar rahe hain, Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill, these three will be expected to give a good start to Team India. Stats ki bhi agar hum baat kare to yahan par जायसवाल का अच्छा प्रदर्शन रहा है, जायसवाल आप स्टैट्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बात हो शुभमन गिल की या फिर रोहित शर्मा, तीनों के स्टैट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बट यहां पर देखा जाए तो अगर खास तौर से देखा जाए मिडिल ऑर्डर पर तो सरफराज खान ने सभी को काफी He is having a lot of experience under his belt, so no question about that. So he will definitely, and he has been impressive across both innings. I think he debuted He debuted in the third test match. Yes. So he has been impressive, and he will definitely perform really well. और अब हमारे finally अगर हम बात करें pitch की, तो रांची का जो ये stadium है JSCA International Cricket Stadium जो है, यहाँ पर ऑलरेडी दो मैच खेले गए हैं टेस्ट के, और एक मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता गया है। और अगर आप एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो वो आपको मिलते हैं 474 फर्स्ट, सेकंड इनिंग में 382 एंड थर्ड इनिंग में 168, फोर्थ इनिंग में गेम नहीं किया है। दैट अब यहां पर बात इसलिए है क्योंकि अगर आप नजर डालेंगे बॉलर्स पर तो ये जो ट्रैक है और ये जो मैदान है ये थोड़ा बड़ा है, और खास तौर से स्पिनर्स का ज्यादा होल्ड रहा है इस पे, इसलिए मैंने आपको बात करी थी कि भैया स्पिनर्स यहां पर कारगर साबित होंगे और दोनों टीम के स्पिनर्स पर एक बार फिर दारोमदार रहने वाला है। और जहां तक बात है हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो इंडिया में अब 39 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और 24 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, 15 मैचेस इंग्लैंड के नाम रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और व्हाट डू यू थिंक, इस मैच में भी इंडिया का डोमिनेंस हमें देखने को मिलेगा या फिर इंग्लैंड जो है वो स्ट्राइक बैक करेगा, कंसीडरिंग कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है। इट फर्स्टली इट इज अ मस्ट विन गेम फॉर इंग्लैंड, बट दे हैव ऑलरेडी बीन पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बाय टीम इंडिया,
So first of all, they will need to come out of this pressure to bounce back, to keep themselves alive in the series, because this is their first priority, to win this match by anyhow, because they need to remain alive in the series. If they don't remain alive in the series, then series is out of their hand. So they have to perform up to that extent. They need to perform up to their standards, and they need to get fruitful innings from their players so that they are alive in the series. That's the situation. And as far as pitch is concerned, pitch is helpful for both. Yesterday, Ollie Pope, the opener, he addressed the press conference. He said there are many cracks in the pitch, so it will be helpful for the pacers as well. So both pacers and spinners, they both will get the help from the pitch. That is why two pacers, like two, one specialist pitcher has been included in both the squads. For England, Ollie Robinson is there. For India, Mukesh Kumar has been. So, घूम फिर के अगर इस पूरे एनालिसिस को संक्षिप्त में बात करी जाए, तो डेफिनेटली दोनों टीम्स के बीच एक और एक अच्छा संग्राम, एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा. एंड वी एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से अपना 100% दे, क्योंकि यहां पर वन साइडेड मैच अगर हमें देखने को मिलेगा जो हमने थर्ड में देखा, तो वो मजा नहीं आने वाला है. तो हाल फिलहाल हम तो ये उम्मीद करेंगे कि ये जो तीसरा मैच है ये अच्छा रहे, क्योंकि इंग्लैंड यहां पर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी. अब आपके लिहाज से दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या नतीजा निकलता है, आपकी क्या ओपिनियन है, इस बारे में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा. फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, लेकिन क्रिकेट का सिलसिला, क्रिकेट की खबरों का सिलसिला यहां पर चलता ही रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन. थैंक यू.